ओम श्री गणेशाय नमः, जय माता दी। स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे चैनल चमकती किस्मत में। वेद पंडित आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों हम हर रोज अपने चैनल पे आपको कुछ ऐसे उपाय बताते हैं जिन्हें अपने जीवन में अपनाने से आपको आपके कार्यों में सफलता मिलती है। जी हाँ दोस्तों, हम हर रोज माँ गर्जिया देवी जी से आपके और आपके परिवार की कुशलता और सफलता के लिए प्रार्थना करते हैं और उम्मीद करते हैं आप लोग अपने परिवार के साथ एक अच्छा जीवन यापन कर पाएं। दोस्तों दिसंबर में बन रहा है महाधन योग, यह तीन राशियां हो जाएंगी मालामाल। जी हाँ दोस्तों, क्या आप भी हैं वो भाग्यशाली जातक जो होने वाले हैं दिसंबर के माह में मालामाल इस महाधन योग से? जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें। लेकिन जिससे पहले हम आगे बढ़ें, हम आपसे कहना चाहेंगे यदि आप पहली बार हमारे चैनल चमकती किस्मत पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में वीडियो जरूर शेयर करिएगा जिससे कि सभी लोग इस वीडियो में दी गई महत्वपूर्ण जानकारी का पूर्ण लाभ उठा सकें। दोस्तों चलिए अपने विषय पे हम पुनः वापस आते हैं। बुध ग्रह एक निश्चित अवधि के बाद ही गोचर करते हैं, इनका असर सभी राशियों पर थोड़ा या ज़्यादा पड़ता है। आज हम आपको बताएंगे कि दिसंबर में बन रहे इस योग से किन दिन राशि वालों को अपार सफलता मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, 27 नवंबर को सुबह 5:41 पर बुध ग्रह धनु राशि में प्रवेश करने वाले हैं। बुध ग्रह के इस राशि में 28 दिसंबर तक रहने वाले हैं। याबुंद ग्रह के राशि परिवर्तन से, यानी कि बुध ग्रह के राशि परिवर्तन से महाधन योग का निर्माण होने जा रहा है। दोस्तों ये बेहद ही शुभ योग माना जाता है जो राशियों के लिए धन प्राप्ति के अनुकूल अवसर प्रदान करेगा। दोस्तों यदि आपको अब तक ये वीडियो और इसमें दी गई जानकारी अच्छी लग रही हो तो लगे हाथ हमारे चैनल चमकती किस्मत को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों, क्योंकि हम ऐसी ही अच्छी अच्छी जानकारी वाली वीडियोस आपके लिए बना के लाते रहेंगे। तो पहली राशि जो है वो है मेष राशि। जी हाँ, मेष राशि के जातकों के लिए ये योग बेहद लाभकारी होने वाला है। इस योग के बनने से मेष राशि के जातकों को विदेश जाने का अवसर भी प्राप्त हो सकता है। बुध के धनु में गोचर की अवधि के दौरान लोग आपकी भाषा और वाणी से काफ़ी प्रभावित होंगे। इस समय के दौरान आपको मेहनत से किए गए कार्य में सफलता अवश्य ही मिलेगी। दूसरी राशि है मकर राशि। महाधन योग मकर राशि वालों के लिए भी बेहद लाभकारी होने वाला है। इस अवधि के दौरान अकेले समय बिता रहे लोगों को जीवन साथी मिलने का योग बन रहा है। मकर राशि के जातकों को इस योग से जॉब के नए अवसर मिल सकते हैं, साथ ही इस राशि के जातकों की नेतृत्व की क्षमता में निखार आएगा। तीसरी और अंतिम राशि है मिथुन। जी हाँ, महाधन योग के चलते मिथुन राशि वालों को अपने लाइफ पार्टनर के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा। इस अवधि में संपत्ति से लाभ होने की संभावना भी है। दोस्तों ये हैं वो तीन भाग्यशाली यानी लकी राशियाँ जिनको बुध के गोचर से होने वाले महाधन योग से सबसे ज़्यादा उन्नति, सफलता और धन की प्राप्ति होगी। दोस्तों तो आप ये जान लीजिए कि दिसंबर में आपका माह काफ़ी अच्छा बीतने वाला है यदि आप भी इन तीन राशि के जातकों में से एक हैं। दोस्तों अगर आपको भी ये वीडियो, इसमें दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों अब हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय माता दी, धन्यवाद।